आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की मुश्किल, नाराज विधायक बीजेपी के संपर्क में। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप, विधायकों को 30 से 35 करोड़ तक के ऑफर। कमलनाथ के मंत्री प्रदीप जायसवाल का बयान, कोई और सरकार बनी तो उसे समर्थन दे देंगे। निर्भया के गुनहगार पवन की दया याचिका खारिज, अब मिलेगी सभी दरिंदों को फांसी की सजा। और सामने आई छिंदवाड़ा मॉडल की हकीकत, नाबालिग कर रहे सड़क निर्माण में मजदूरी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबर विस्तार से, निर्भया के गुनहगार पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया है। अब गुनहगारों की फांसी की तारीख यानी डेथ वारंट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी पवन को 14 दिन का नोटिस मिलेगा। इससे साफ है कि 14 दिन के बाद ही दोषियों को फांसी मिल सकती है। दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के वकील ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की, कोर्ट से गुनहगारों का नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि अभी भी पवन अपनी दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, जैसा बाकी दोषियों ने किया था। फिलहाल पवन के पास भी कानून विकल्प बचे हैं जो खत्म हो चुके हैं। इससे पहले निर्भया गैंग रेप केस के दोषियों से संबंधित एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस याचिका में चारों दोषियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति का पता लगाने की अपील की गई थी। इस याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने के लिए कहा गया कि वह चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का पता लगाएं। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 मार्च के लिए जारी किए गए तीसरे डेथ वारंट पर रोक लगा दी थी। डेथ वारंट रद्द करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि फांसी से पहले दोषी को अधिकार है कि वो सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सके। ये सुनिश्चित करना कोर्ट का काम है, इसीलिए 3 मार्च को होने वाली फांसी अगले आदेश तक टाली जाती है। इससे पहले 22 जनवरी और 1 फरवरी को फांसी देने की तारीख तय की गई थी। 1.5 साल में ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। कमलनाथ सरकार से नाराज विधायक बीजेपी के संपर्क में है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त को अंजाम देना चाहती है, जिसके लिए विधायकों को 30 से 35 करोड़ तक के ऑफर दिए गए हैं। दिल्ली से भोपाल तक राजनीतिक घमासान अपने चरम पर है। ऐसे में बीजेपी ने कहा कि सबसे उसका कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ सरकार अंतर विरोध और अंतर कलह का शिकार है। मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ से चल रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार राज्यसभा चुनाव से पहले मुश्किल में है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हरियाणा के नू और कर्नाटक के बेंगलुरु में करीब 8 कांग्रेस विधायकों को रखा गया है। ये वो विधायक हैं जो कभी भी कांग्रेस की सरकार गिरा सकते हैं। एक आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि कांग्रेस और उससे जुड़े 14 विधायक कमलनाथ सरकार से नाराज है और ये कभी भी कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। हालांकि ऊपरी तौर पर कांग्रेस के नेता इन अफवाहों को खारिज कर रहे हैं कि सरकार पर कोई संकट है, लेकिन इन नेताओं का आरोप है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है। जो सब जगह आज वायरल है कि बहुत से विधायकों को इन्होंने किडनैप कर लिया है, इनके फ़ोन ले लिए हैं, और जब ये स्थिति पता चली तो कल दिग्विजय सिंह जी और हमारे मंत्री पटवारी जी और जयवर्धन सिंह और तरुण भानोट वहाँ गए, तो 3-4 लोगों को बंधक से उनको छुड़ा के ले आए। और ये एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का पूरा सरकार को अस्थिर, कमलनाथ जी की सरकार को अस्थिर करने का था, और इसमें उन्होंने 35-35 करोड़ रुपए देने के एक एक विधायक को ऑफर दिए और मंत्री बनाएंगे। भाजपा का इस मसले पर साफ कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। यूं तो 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से आशंका जताई जा रही थी कि कमलनाथ सरकार कभी भी जा सकती है, लेकिन बीते दिनों घटनाक्रम में तेजी आई और मध्य प्रदेश कांग्रेस के
दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जैसे बड़े नेताओं को मोर्चे पर आना पड़ा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि भाजपा ने कांग्रेस बसपा और सपा विधायकों को दिल्ली जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बसपा विधायक रामबाई को क्या भाजपा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चार्टर फ्लाइट में भोपाल से दिल्ली ले गए हैं? शिवराज जी कुछ कहेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा दोनों में ये तय हुआ है कि एक मुख्यमंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसीलिए दोनों मिलकर विधायकों की तोड़ फोड़ में जुटे हुए हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 12 सीटर प्लेन में 4 विधायक गए और 6 जो विधायकों को पकड़े हुए थे वो गए। उसमें 3 कांग्रेस के थे। वो जो चार्टर प्लेन था 9 सीटर, जिसमें शिवराज सिंह जी सारे विधायकों बेंगलोर भेजकर मुख्यमंत्री बनने का दावा करने वाले थे, वे उनका एक नीरज वशिष्ठ, उनका पीएस और एक का गनमैन ये बेंगलोर की बजाय अब भोपाल पहुंच गए। अब आप इस बात में समझ सकते हैं कि क्या हाल है। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री कमलनाथ को ब्लैकमेल करने के इरादे से दिग्विजय सिंह ऐसे आरोप लगा रहे हैं, यह उनकी आदत रही है। उनके कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए अपना महत्व बताने के लिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि कमलनाथ सरकार अंतर विरोधी अंतर कलह का शिकार है। ये कांग्रेस की मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार है, ये अपने अंतर विरोध और अंतर कलह से ग्रसित है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सरकार में उनके अपने अंदर विद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार के किसी भी जो आरोप प्रत्यारोप करने का जो प्रयास है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसके बारे में प्रामाणिक रूप से बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम है, जो मैंने अभी फौरी तौर पर समझा है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो सरकार सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर नहीं बनती है, ऐसी सरकारों का यही हश्र होता है जिस प्रकार की स्थितियां सामने आ रही हैं। जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना एक अलग बात है, और सुशासन के उद्देश्य से सरकार चलाना एक अलग बात है। हमने पहले भी कहा है, हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन अपने बोझ से अगर कुछ होता तो वो जाने। तो उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है, और आरोप हम पर लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? इससे पहले 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात हरियाणा से बड़ी खबर आई। आईटीसी ग्रैंड मानेसर होटल में कांग्रेस के 4, बसपा के 2 और अन्य विधायक के साथ होटल मराठा में मिले। इनकी भनक लगते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ हरकत में आए और अपने 4 मंत्रियों को ताबड़तोड़ दिल्ली भेजा और विधायकों को भाजपा के कब्जे से मुक्त करवाया। मंगलवार देर रात मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह गुरुग्राम के होटल से बसपा विधायक रामबाई को अपने साथ बाहर लाए। पटवारी आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें बंधक बना रखा था। यह भी आरोप लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ अन्य विधायकों को भी भाजपा ने अपने पास बंधक बना रखा है। कांग्रेस या उसको समर्थन दे रहे कुल 8 विधायकों के बागी होने की सूचना है। 4 विधायक हरियाणा और 4 विधायक बेंगलुरु में होने की खबर है। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ सरकार के कुल 14 विधायक नाराज चल रहे हैं, जिन पर भाजपा की नजर है। इधर कमलनाथ का कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने विधायकों से कहा कि कोई पैसा देता है तो ले लो और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई चल रही है और उसका ही परिणाम है ये, क्योंकि सबको मालूम है कांग्रेस के विधायकों के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है कमलनाथ जी और कांग्रेस के हाथ में, क्योंकि जितने वादे किए थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जो भी हो रहा है ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है और कांग्रेस के विधायकों का फ्रस्ट्रेशन है, और सरकार और कमलनाथ जी
के प्रति गुस्सा है। मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों के बीच कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रदीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। जायसवाल ने कहा, मध्य प्रदेश में कोई और सरकार बनेगी तो वे उसे समर्थन दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे इलाके का विकास प्राथमिकता है। जोर तोड़ से चल रही कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में जब तक कमलनाथ सरकार है तब तक वे कमलनाथ सरकार के साथ हैं। उसके बाद यदि कोई अन्य सरकार बनती है तो उसमें भी शामिल होने का विकल्प उनके पास खुला है। जायसवाल ने साफ कर दिया है कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो वो भी समर्थन दे सकते हैं। प्रदीप जायसवाल बालाघाट जिले की बारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीते थे और पिछले सवा साल से कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं और मंत्री बने हुए हैं। देखिए, सरकार जब तक कमलनाथ जी है तब तक तो जायसवाल साथ में है। सरकार अगर गिरती है कभी भविष्य में, कभी ऐसा होता है तो जैसा क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, क्षेत्र के लोगों के मंशा के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए सरकार में शामिल होने में मेरा विकल्प खुला रहेगा। विकास का मॉडल कहे जाने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में बेरोजगारी के चलते नाबालिग बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है। इन बच्चों की उम्र पढ़ाई करने की है, लेकिन बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। बाल मजदूरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ सरकार जिस छिंदवाड़ा विकास मॉडल का दम भर रही है उसकी हकीकत क्या है। छिंदवाड़ा में परासिया के मुनगा ग्राम पंचायत में बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है, बच्चों से रोड निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण रोड की गुणवत्ता पर तो सवाल खड़ा होता ही है, साथ ही बच्चों का भविष्य भी खतरे में नजर आता है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, वहां तो आर्थिक तंगी की वजह से मजदूरी करने को मजबूर हैं। इस बेरोजगारी ने छिंदवाड़ा के विकास के मॉडल की पोल खोल दी है। उम्र कितनी है आपकी? कब से काम कर रहे हो? कितने वेतन से काम कर रहे हो? कितना वेतन देने को बोला है? और हाजिरी भरी आपकी? देखे हो? यही नहीं, सरपंच और सचिव की मिली भगत के चलते रोड निर्माण में भी गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रेत की जगह कापू का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कापू से बनी सड़क कितने दिन चलेगी ये तो सरपंच ही बता सकते हैं। आप क्या हो? कितनी रेत और कितनी गिट्टी डाली जा रही है यहाँ? 20 गिट्टी डाली जा रही है, 20 रेत डाली जा रही है। आप लोग की हाजिरी भर रही है? हाँ। देख रहे हैं कितने रुपए के हिसाब से? मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी की किताब टाइगर स्पीक का विमोचन किया। इस किताब में बाघों के वर्तमान हालातों और मुश्किलों को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी की बाघों को समर्पित कार्टून कला की किताब टाइगर स्पीक का विमोचन किया। इस अवसर पर हरिओम ने टाइगर स्ट्रीट विषय पर बनाया कार्टून चित्र मुख्यमंत्री को भेंट किया। बाघों के जीवन और उनके पर्यावरण को समर्पित कार्टून किताब में संकटग्रस्त बाघ के प्रति मानवीय संवेदना जगाने के लिए कार्टून कला का रचनात्मक उपयोग करने की पहल की गई है। बाघ को मानव समाज के भद्र पुरुष के रूप में देखते हुए उसकी वेदना को कार्टून कला के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। कार्टूनों में बाघ हंसता भी है और गंभीर बातें भी करता है। मुख्यमंत्री नाथ ने कार्टूनिस्ट हरिओम के टाइगर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री, मंजूल प्रकाशन के संपादक कपिल सिंह और डॉक्टर राखी तिवारी उपस्थित थे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में ग्वालियर कांग्रेस के नेता पिंकी पंडित तितली जुए के अड्डे पर खड़े नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। इस वीडियो को पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर भोपाल तक पहुंचा दिया गया है। पिंकी पंडित इन दिनों विधायक प्रवीण पाठक के नजदीकी हैं। इससे जाहिर है कि कांग्रेस के लोग भी अनैतिक कामों में लगे हुए हैं। यह वीडियो ग्वालियर का है। वीडियो में कुछ युवक दांव लगा रहे हैं और एक युवक पैसा समेटता नजर आ रहा है। इसी भीड़ में कांग्रेसी नेता पिंकी पंडित खड़े नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 15 से 20 सेकंड का है। इस वीडियो ने ग्वालियर कांग्रेस में भूचाल ला दिया है, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही एक दूसरे पर अवैध कामों में संलग्न होने के आरोप लगाते रहे हैं। इस वीडियो को कांग्रेसियों ने भोपाल से दिल्ली तक बड़े नेताओं को भेज दिया है। वीडियो में दिख रहे कांग्रेसी पिंकी पंडित का कहना है कि वह मेला घूमने के लिए गए थे। वहीं एक स्थान पर भीड़ लगी हुई थी। भीड़ देखकर मैं देखने के लिए चला गया और यहाँ कौन सा तमाशा हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीडियो साफ कह रहा है कि ये एक किस्म का जुआ है जहाँ लोग जमकर दांव खेल रहे हैं। 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक सरपंच ने दुष्कर्म का प्रयास किया। चंदिया पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उमरिया जिला मुख्यालय के चंदिया कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत मडवा के सरपंच चुटुदाना कोल ने गांव की 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। घटना की सूचना पर चंदिया पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 511 और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी कृष्णा कुमार पांडे ने बताया कि बच्ची की माता पिता ने थाने आकर सूचना दर्ज करवाई कि गांव के सरपंच चुटुदाना कोल के द्वारा बच्ची के साथ गलत काम करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर आरोपी सरपंच के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, मड़वा गांव है। मड़वा गांव में कोल समाज में ये एक थोड़ी दुखद घटना घटी। उसमें एक बच्ची के साथ बलात्कार के प्रयत्न की घटना हुई, जिसके अंतर्गत हमको सूचना मिली और सूचना के बाद तुरंत बाद हमने उनको आरोपी को गिरफ्तार किया, एफआईआर की, बलात्कार के प्रयास और पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर की, और उसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। उसके अलावा जितने भी उसके एसओपी हैं महिला अपराध से संबंधित, उसके अनुसार महिला विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना की जा रही है। टीकमगढ़ में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बना रहे 5 बदमाशों को धर दबोचा है। इनमें 3 कुख्यात पादरी गैंग के सदस्य हैं, जिनके ऊपर कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब कुंडलेश्वर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर लूट की घटना से पहले बदमाशों को धर दबोचा गया। पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन अनिल शर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज विवेक राज सिंह द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। टीकमगढ़ एसपी अनुराग सजानिया की तत्परता के चलते बड़े अपराधियों की धरपकड़ जारी है। उसी के तहत कोतवाली पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब सुनसान पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 लोगों की गैंग का फांडाफोड़ हो गया। पकड़े गए बदमाशों में 3 कुख्यात पादरी गैंग के सदस्य हैं, जिनके ऊपर कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर का कुख्यात अपराधी शाकिर खान भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से तमंचे के साथ कई धारदार हथियार बरामद किए हैं। कल रात को हमें मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग 5 लोग सिंचाई विभाग के पास में झाड़ के पीछे छुप कर बैठकर कहीं डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उसी तारतम्य में एसडीओपी टीकमगढ़, टीआई कोतवाली और इनके जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनकी लीडरशिप में टीम गठित की गई और मौके पर तस्दीक की गई तथा जो वहाँ पे एंटी जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उनके उधर तक पहुंचा, तो उसमें हमारे पास 5 लोग हमारी गिरफ्त में आए, जिनमें से एक है तेज प्रताप सिंह ठाकुर, राधाराम पारदी, रुपेंद्र पारदी और जसवंत पारदी, और इसके अलावा एक शाकिर खान जो कि ललितपुर का है। ये 5 लोग हमारे गिरफ्त में आए। इनसे हमें, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक 315 बोर का कट्टा मिला है और जो डकैती में ये अपने एक उपयोग में लाते वो इनके जो हथियार बोल सकते हैं, पेचकस और ये जो पका और ये सब इनसे बरामद हुए हैं। और इस प्रकार टीकमगढ़ पुलिस की कोतवाली थाने के द्वारा सचेत रहते हुए एक बड़ी घटना घटित होने से टल गई
इनका प्लान ये था कि कुंडेश्वर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पे डकैती डालते और फिर वहां से निकल कर ये लोग अपने ललितपुर में जाके वहां पे अपने पैसों का बंटवारा करके सब अपने अपने गंतव्यों पे निकल। छिंदवाड़ा में बढ़ रही आपराधिक घटना और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर स्थानीय रहवासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से स्थानीय रहवासियों में काफी रोष है। आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा हो रही आपराधिक घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं, जिसको लेकर न्यूटन नगर परिषद के चौराहे पर लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व इसी चौराहे के पार्क में कुछ असामाजिक तत्वों ने हाथी के पुतले को आग लगा दी थी। कई बार मंदिरों में चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द नगरों में चौराहे पर कैमरे लगाने की मांग की। पश्चिमी न्यूटन क्षेत्र 4 नंबर पर अभी कुछ समय पहले असामाजिक तत्वों द्वारा चिंडन पार्क में लगे हाथी को जला दिया गया। इसी संबंध में आज हम सभी नगरवासीगण SDM महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हुए हैं, जिसमें हमारी यह मांग है कि पश्चिमी न्यूटन 4 नंबर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल दुर्गा चौक एवं काली चौक पर CCTV कैमरे लगाए जाए, जिससे कि असामाजिक गतिविधियाँ जो कि क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही, इस पर लगाम रहे और क्षेत्र में शांति बनी रहे। मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पर्वतारोही मेघा परमार और शोभित ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को पर फतह हासिल कर ली है। ऐसा करने वाले ये दोनों मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।